वाराणसी के पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय पांडेपुर वाराणसी में साइकिल स्टैंड की व्यवस्था तो है, लेकिन वह किसी के संरक्षण में नहीं है। आए दिन साइकिल मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं। आज की भी यही घटना है। पीड़ित ने साइकिल स्टैंड में साइकिल रखा और दवा लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर को दिखवा कर दवा लेकर आया तो साइकिल स्टैंड में साइकिल नदारद थी। आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीधे में जो है आया हुआ हूँ, जहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि साइकिल स्टैंड तो है मगर यहाँ जो है उसके संरक्षण में ना ही साइकिल स्टैंड किसी को दिया गया है और ना ही वहाँ जो है पर्ची कटती है। आए दिन मोटरसाइकिल और साइकिलें गायब हो रही है। जब यहाँ के गार्ड लोगों से पूछा जा रहा है तो अपने ड्यूटी निभाने में लगे हुए हैं भाई, उनकी भी तरह तरह की परेशानियाँ हैं। उनको देखना है कि यहाँ जो है आपके जो है मोटरसाइकिल गलत जगह पे ना लगे, हाँ एम्बुलेंस गलत जगह पे ना खड़ा हो और इन सबों का बात ध्यान में देना है। तो आखिर में गार्ड भी कितना ध्यान देगा, ये हम जनता से पूछते हैं कि गार्ड क्या है। यहाँ के CMS महोदय या तो एक साइकिल स्टैंड में सुचारू रूप से व्यवस्था कराएं या साइकिल स्टैंड किसी को दे दें जिससे कि गाड़ी और साइकिल चोरी होने का डर खत्म हो जाए। आज भी ऐसा ही हुआ, एक लड़का जो है करीब एक घंटा पहले साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ा किया और उसकी साइकिल गायब हो गई। जब वो चौकी में गया तो चौकी जो है पूर्ण रूप से बंद थी। उसने चौकी इंचार्ज से बात किया, बात करने के बाद पता लगा कि तुम कल आओ और मैं जो है तुम्हारा कल FIR करूँगा। प्रशासन की तो यही रीत है। प्रशासन क्या चाहती है, चौकी पर चौकी इंचार्ज नहीं है, ना ही कोई फैंटम है, ना ही कोई कांस्टेबल है। आखिर में क्या ये सब क्या है, योगी सरकार में यही सब हो रहा है जो है। हम तो ये कहते हैं कि भाई हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम अनदेखी नहीं कर सकते मगर हाँ जो देखेंगे उस पर एक्शन लेंगे। मैं शासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो है यहाँ साइकिल स्टैंड की सुचारू रूप से व्यवस्था करें। नमस्कार। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।